स्वागत है आप सभी लोगों का इस GKP चैनल में। आज हम फिजिक्स के जो पीछे लेक्चर हैं उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रिक स्टैटिक। इलेक्ट्रो स्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युत, और इस स्थिर वैद्युत में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है, वैद्युत क्षेत्र और आवेश। ठीक है, तो पीछे की क्लासों से हमें बहुत कुछ नॉलेज मिला। विद्युत क्या होती है, घर्षण के द्वारा उत्पन्न की जाती है, एक प्रकार का चार्ज से बनती है, एक प्रकार के आवेशों से बनती है। आज उसके हम आगे पढ़ेंगे। इस दुनिया में जो भी पदार्थ मिलते हैं हमको, उनको हमने कुछ भागों में वर्गीकृत किया है। जैसे जो पदार्थ होते हैं वो परमाणु और अणुओं के मिलने से ही बनते हैं, और इन पदार्थों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है चालक, दूसरा होता है कुचालक। तो आइए इनको समझते हैं कि चालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं। ठीक है, देखिए चालक, चालक चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन सुविधाजनक रूप से चल सके, चालक कहलाते हैं। वो पदार्थ जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन सुविधाजनक रूप से चल सके, चालक कहलाते हैं। और इनका गुण जो होता है चालकता कहलाता है, कंडक्टिविटी। और जो चालक होते हैं उनको इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ का टुकड़ा है, इसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। पूरी फिजिक्स में पदार्थ ही पदार्थ पढ़ना है। और ये पदार्थ का निर्माण अणु और परमाणु से मिलकर होता है। ठीक है ना, मैं एक परमाणु को बाहर निकाल लेता हूँ, ये एक परमाणु होता है, और तुम्हें बता चुके हैं कि बीच में क्या होता है, नाभिक, जो धन आवेश होता है उस पे, ये होता है नाभिक। और इसके चारों तरफ अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, e-e-e, ये सभी इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में। यहाँ पे मैंने दो कक्षाएं दिखाई हैं, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है, अब होता क्या है, इसको जब पदार्थ को हम लोग गर्म कर देते हैं, गर्म तो जानते हो ना, जब हम या किसी वस्तु के साथ इसको रगड़ देते हैं तो उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन टूट जाता है। या हम ऐसा कहें, अगर इसको हम थोड़ा सा हीट कर दें इस पदार्थ को, जिसे मार्करे को अगर हम ऐसा थोड़ा सा गर्म कर देते हैं मार्कर को, तो इसमें एक्शन क्या होता है कि इसके जितने भी परमाणु होते हैं, जितने भी पदार्थ के परमाणु हैं, उन सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाती है। इस इलेक्ट्रॉन को इस वाली कक्षा में घूमने के लिए मान लीजिए कि 10 जूल ऊर्जा की जरूरत है। ठीक है ना, इसमें घूमने के लिए उसको मान लीजिए कि 5 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है, और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं। बाहर से ऊर्जा देते हैं, जब इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो ये बहुत तेज गति से घूमने लगते हैं। अब मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में घूम रहा था उसको हमने 5 और ऊर्जा दे दी, तो इसके पास टोटल ऊर्जा कितनी हो गई, 10, 10 जूल के बराबर हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे नहीं रहता है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में 10 जूल ऊर्जा कक्षा वाली, 10 जूल ऊर्जा वाली कक्षा में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर आ जाता है, दूसरी कक्षा में चला गया। फिर यहाँ पर ये बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए रुकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से फुल वैकेंसी होती है, तो ये फिर उसको पुनः लौटना पड़ता है। लेकिन लौटते समय क्या होता है कि इसको यहाँ लौटने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 5, और इसके पास वो कितनी जाती है, 10।
तो ये 5% या 5 जूल ऊर्जा को बाहर निकाल देता है, 5 जूल ऊर्जा को ये बाहर निकाल देता है। वो ऊर्जा हमको कहाँ में मिलती है? तरंगों के रूप में मिलती है, ठीक है ना। ये ऊर्जा जो हमको दिखती है वो तरंगों के रूप में दिखती है। अब छोड़ दो, अगर सोचिए इस वाले इलेक्ट्रॉन जो बाहर इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालना है, तो इसको हमने मान लीजिए 10% ऊर्जा दे दी, 10 जूल ऊर्जा और दे दी, तो इसके पास कितनी हो गई? 20 जूल हो गई। अब ये बेचारा कहाँ जाएगा? तो ये क्या काम करता है, अपने इस परमाणु को पूरा ही छोड़ देता है। छोड़ने के बाद ये मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। पहले चक्कर काट रहा था, इसके पास ऊर्जा 10 थी, चक्कर काट रहा था, कोई टेंशन नहीं। जब इसको ऊर्जा बाहर से हमने 10 और बढ़ा दी, तो ये जल्दी बल्दी चक्कर काटने लगा, और चक्कर काटते 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 भड़ाक से बाहर निकल गया, और क्या हो गया? मुक्त हो गया। ये क्या बन गया फिर? मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया। मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा अधिक होती है बंधक इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे ये बंधक इलेक्ट्रॉन है, ये भी बंधक है, ये भी बंधक, ये सब बंधक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़कर चला जाता है वो क्या हो जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? मैं तुमको ये जो दिखा रहा हूं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो अपने परमाणु को छोड़कर बाहर आए हुए हैं, और जब इन्होंने किसी भी परमाणु को छोड़ा तो पहले उस परमाणु में जितने प्लस थे उतने ही माइनस थे, उतने जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन माइनस वाला इसको छोड़कर चला गया, तो इस परमाणु में धन आवेश आ जाता है। तो ये हमारा भैया परमाणु है जिन पर कितना आवेश है? धन आवेश है, ठीक है ना। अब इस पदार्थ को हम क्या करते हैं, ऐसे देख लिया, इस पदार्थ में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और कुछ बंधक इलेक्ट्रॉन है। बंधक इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु के अंदर होंगे, और जिन परमाणुओं से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस परमाणु में धन आवेश आ जाता है, प्लस की अधिकता हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण की तो इससे अधिकता होती है, ठीक है। चलो ठीक, अब इस पदार्थ में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है ना, और प्लस परमाणुओं की भी संख्या है, अणुओं की भी संख्या है। अब हम क्या करते हैं, इसी पदार्थ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मतलब इसको मिटा दे रहे हैं, फिर समझाते हैं आगे, ठीक। इस परमाणु का हम बिहेवियर देखते हैं कि ये जो पदार्थ हमारा है उसमें से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है अगर इसको हम इधर बुलाएं तो ये आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा, मतलब ये पदार्थ हमारा कैसा है? अभी भी अनावेशित है, अना आवेशित। ये पदार्थ कैसा है हमारा? अनावेशित है, ठीक है। अब इस अनावेशित पदार्थ के पास हम क्या करते हैं, कोई ऐसा पदार्थ लेकर आए जिसमें एक की अधिकता होनी चाहिए, मतलब या तो प्लस की अधिकता हो या तो माइनस की। मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस की इसमें अधिकता है, तो इस पर कौन सा आवेश है बताओ भैया? ऋण आवेश है, ठीक है। इस ऋण आवेश को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले ऋणावेश। ये ऋणावेश पदार्थ है, मतलब आवेशित पदार्थ है, आवेशित पदार्थ है, ये अनावेशित पदार्थ है। अनावेशित पदार्थ के बाद जब हम आवेशित पदार्थ को लेकर आते हैं तो पता है हमको कि माइनस और माइनस में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षक। प्लस प्लस में कौन सा बल लगता है? आकर्षण। तो यहाँ पे माइनस क्या है? यहाँ पे माइनस ये है, ठीक है ना, ये माइनस है, मतलब ऋण आवेश है, और जो प्लस है ये वाले, ये प्लस है, धनावेश, इसमें ऋण आवेश की संख्या अधिक है। अब ये ऋण है मतलब माइनस चार्ज है, और ये भी माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है, ठीक है ना। अगर ऐसा हम इसके पास लेकर आते हैं तो माइनस किसको खींचना चाहेगा? प्लस वाले को। तो प्लस वाले माइनस खींच जाते हैं, और ये प्लस वाले जितने भी होते हैं इसमें सब इधर को और गमन करने लगते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इन पर, इन प्लस वाले आवेशों पर ये माइनस वाला आवेश इधर खींचना चाहता है, ठीक है। तो इन प्लस वालों पर इधर की ओर बल लगता है। और देखो दूसरी बात,
इस माइनस वाले को रिपल्सन किया, मतलब प्रतिकर्षित किया, जो जितने भी माइनस इसमें है सब उधर भागना चाहते हैं, ठीक है इस तरह से। लेकिन क्या होता है कि ये पदार्थ का स्वरूप कैसा होता है, इस पदार्थ का स्वरूप कैसा होगा कि ये माइनस वाले को उधर जाने देगा या नहीं जाने देगा। अब देखिए ऐसा, और ये आवेशित पदार्थ, ये माइनस वाले इधर भागेंगे या नहीं भागेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ये पदार्थ इन आवेशों को, माइनस आवेशों को इधर जाने देगा या नहीं जाने देगा। अगर जाने दिया तो उसे कह देंगे हम चालक है, ये क्या कह देंगे, चालक है, ठीक है ना। अगर नहीं जाने दिया, अगर नहीं जाने दिया तो उसे क्या बोलते हैं, कुचालक है, ये सिंपल सी बात है। वे पदार्थ जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए, ठीक है ना, उन्हें हम चालक कहते हैं, और जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो उन्हें हम कुचालक कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में चालक हमारे लिए जरूरी क्यों होते हैं, क्योंकि विद्युत जो हम लेते हैं पावर हाउस से, तो वायर वहां पे लगा होता है, वो चालक होता है, ठीक है ना। उस चालक के द्वारा, उस तार के द्वारा हमारे पावर हाउस से हमारे घर तक लाइट आती है, ठीक है। और अगर ये चालक नहीं होते तो लाइट तो हमारे घर में आ ही नहीं पाती, ठीक है ना। तो चालक हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसी प्रकार से कुचालक क्या करते हैं, कुचालक मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित मत होने दे, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने देंगे तो हमारे किस काम के होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित नहीं करने देते अपने अंदर से वो कुचालक होते हैं, ये हमारे बहुत काम के होते हैं। जैसे जैसे घर से लाइट आ रही है आपके, और तुम गए लाइट को पकड़ लिया, मतलब तार को, जो चालक तार है उसको ऐसे पकड़ लिया, पकड़ने में जानते हो क्या होता है कि करंट लग जाती है, शॉक लग जाता है, ठीक है ना। तो हमें ऐसे सिस्टम से पकड़ना चाहिए कि हमारे करंट ना लगे, ठीक है ना। मान लीजिए ये तार है और इसके ऊपर प्लास्टिक का एक खोल चढ़ा होता है, प्लास्टिक है, ठीक है, उसका खोल चढ़ा दीजिए, पकड़ लीजिए, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगी, प्लास्टिक के अंदर से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, तो प्लास्टिक क्या हुआ, कुचालक हुआ, ठीक है। जितना जरूरी हमारे लिए चालक होते हैं उतने ही जरूरी हमारे लिए कुचालक भी होते हैं। जैसे आप कभी भी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कुछ ऐसी रास्ताएं होती हैं जिन पर आप खूब तेज दौड़ते हो, स्पीड खींच लेते हो, और कुछ ऐसे रास्ताएं होती हैं जहाँ पे भीड़ आ जाती है, तो भीड़ में हम टकराते टकराते जाते हैं तो धीमे गाड़ी कर लेते हैं। इसी प्रकार से चालक वो पदार्थ होते हैं, एक जैसी खाली सड़क हो इसमें तुम खूब दौड़ो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और कुचालक वैसे होते हैं जैसे भरी भीड़ में चलना, इलेक्ट्रॉन चलता तो है लेकिन टकराते टकराते पहुँच ही नहीं पाता, एक छोर से दूसरे छोर पर नहीं पहुंच पाता बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसके आगे इन दोनों का पढ़ने के बाद हम इस टॉपिक पहुंचते हैं कि एक तीसरे प्रकार का भी चालक होता है, वो क्या होता है, वो अर्धचालक होता है, ठीक है ना। अर्धचालक क्या होते हैं, जिनको ठंडा कर दो तो वो क्या बन जाते हैं, कुचालक बन जाते हैं, और जिनको गर्म कर दो वो चालक बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ठंडा करने पर कुचालक, गर्म करने पर चालक बन जाते हैं, ठीक है ना। ये जो अर्धचालक होते हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये मोबाइल है, मोबाइल की जो प्लेटें होती हैं इसमें यूज होते हैं, बहुत से बढ़िया इसके यूज हैं, और कंप्यूटर में यूज होते हैं अर्धचालक, और डायोड बल्ब बनाते हैं उसमें भी, जो एलईडी वाला बल्ब होता है उसमें भी ये सब यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि एक चौथे प्रकार का भी चालक होता है जिसे कहते हैं सुपर कंडक्टर, सुपर चालक कहते हैं। जो सुपर चालक होते हैं अभी बन नहीं बनाने में जुटे हम लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए इन लोगों की है। हाँ देखिए इसको एक बार गौर से थोड़ा, सुचालक क्या होते हैं पहले इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना, समझा तो चुके हैं आप लोगों को। वे पदार्थ जो आवेशित कणों को अपने अंदर से कम प्रतिरोध देकर जाने देते हैं, मतलब प्रतिरोध ना के बराबर लगाते हैं, ठीक है। प्रतिरोध मतलब होता है
प्रतिरोध के मतलब होता है किसी को ना जाने देना, इलेक्ट्रॉन को प्रतिरोधित ना करना, ठीक है ना। ये कुचाल सुचालक जो होते हैं ये आवेशित कणों को अपने अंदर से सुविधाजनक जाने देते हैं, प्रतिरोध नहीं लगाते हैं। जैसे धातुएं में आ जाओ, लोहा भी होता है, ठीक है, धातुएं हैं, लोहा है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, और मानव शरीर भी है, लेकिन ये अच्छा चालक नहीं है मानव शरीर, ठीक है। कुचालक वे पदार्थ जो आवेशित कणों को अवरोधित करते हैं, नहीं जाने देते हैं। कहाँ नहीं जाने देते हैं? अपने अंदर से होकर नहीं जाने देते हैं। जैसे अधातु है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, शुद्ध पानी है, और भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनका गुण कहलाता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता होती है। और कुचालक जैसे इंसुलेटर जो खंभों में लगे होते हैं बहुत मोटे मोटे, ठीक है ना, वो भी एक प्रकार के कुचालक पदार्थ इंसुलेटर कहलाते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं बता तो चुके तुमको हम। अर्धचालक कम तापक्रम पर कुचालक तथा अधिक तापक्रम पर क्या हो जाएंगे ये, अथवा अशुद्धि मिलाकर, अशुद्धि के कारण क्या होते हैं ये सुचालक, जैसे सिलिकन है, जर्मेनियम है, और भी है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया चालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है। अब आगे की कहानी, विद्युत प्रेरण क्या होता है। ऐसा इसमें ये होता है कि जब जैसे मान लीजिए कि ये एक अनावेशित पदार्थ है, ठीक है ना, प्लास्टिक है, इसमें जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं, और हम इस अनावेशित पदार्थ के पास कोई ऐसा पदार्थ लाएं जिसको हम रगड़ लें पहले, या बिस्किट से रगड़ लो, किसी से रगड़ लो, ठीक है ना। अगर इसके पास हम लाते हैं रगड़ कर, ये आवेशित हो जाएगा, आपको पता है। और उसमें क्या होता है, इसमें भी माइनस होता है, इसमें भी प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो माइनस इसमें जो है वो इस वाले माइनस में बल लगाता है कि तुम जाओ भाग जाओ, ठीक है ना। प्लस वाला इस वाले माइनस को अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना। जब ऐसा होता है कि प्लस वाले एक तरफ आ जाते हैं इस पदार्थ में और माइनस वाले एक तरफ आ जाते हैं, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। देखिए जैसे ये एक पदार्थ का टुकड़ा लिया, इस पदार्थ में हम ये कहते हैं कि अनावेशित है, अनावेशित, ये पदार्थ अनावेशित है, ठीक है। अब इसमें प्लस जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस भी होंगे, क्योंकि अनावेशित है, ठीक है, अनावेशित है, इसलिए जितने प्लस हैं उतने ही माइनस है, ठीक। अब इधर आ जाओ, अब इसके पास हम क्या करते हैं कि आवेशित पदार्थ को लेते आते हैं, ये हो जाएगा हमारा आवेशित, आवेशित पदार्थ, ठीक है। अब इस आवेशित पदार्थ में हम ऐसा करते हैं कि माइनस की संख्या ज्यादा करते हैं, चलो माइनस की संख्या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, माइनस की संख्या ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब इसको जब हम इसके पास लाते हैं तो होता क्या है कि माइनस और माइनस के बीच में प्रतिकर्षण होना स्टार्ट हो जाता है, और प्लस के बीच में भी प्रतिकर्षण होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन माइनस वाला इसमें ज्यादा होने के कारण वो प्लस वाले को इधर बुला लेता है, तुम आ जाओ, क्योंकि प्लस प्लस में आकर्षण होता है, प्लस माइनस में आकर्षण होता है, माइनस वाला प्लस को इधर की ओर बल लगाएगा, जितने भी प्लस वाले हैं सब इधर की ओर भागने लगते हैं, ठीक है। माइनस वाला क्या होगा, माइनस वाला उधर भाग के जाएगा, ठीक है, माइनस वाला उधर भागने लगता है और प्लस वाला इधर आने लगता है। तो इसकी शेप कैसे बन जाती है, देखिए जब अनावेश पदार्थ के पास हम आवेश पदार्थ को लाते हैं तो आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है, मतलब धन एक तरफ और ऋण एक तरफ हो जाते हैं, जैसे ऐसे ऐसे, देखो इसमें तो माइनस की संख्या ज्यादा ही मालूम है हमको, ठीक है ना, ये आवेशित है। अब ये कैसा है, अनावेशित, इसमें माइनस माइनस को फोर्स लगाकर, बल लगाकर कहता है तुम दूर जाओ, प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है, ये माइनस वाले उधर चले गए और प्लस को अपने पास बुला लेता है, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ठीक है। बीच में क्या होता है, बीच में जैसा पहला, जैसे पहले होता है वैसे भी होता है,
बीच में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब क्या होते हैं बराबर, लेकिन ये होते हैं किनारे मतलब ध्रुव, धा धा दूध वाला धनुष ध्रुव, ठीक है। ये भी एक होता है ध्रुव, ठीक है। तो आवेश इसको देखो और इसको देखो, इस पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, माइनस ने माइनस को धक्का दिया कि तुम उधर जाओ, तो माइनस वाले उधर चले गए, माइनस वाले ने प्लस वाले को खींचा तो प्लस वाले इधर आ गए, बस यही कहानी। एक अनावेशित पदार्थ के पास जब हम आवेशित पदार्थ को लाते हैं तो उसमें आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है, मतलब आवेश ध्रुव की ओर भाग जाते हैं, अर्थात समान मतलब माइनस आवेश एक तरफ हो जाता है, ऋण आवेश एक तरफ हो जाता है और धन आवेश एक तरफ हो जाता है। यह प्रक्रिया हमारी विद्युतीय प्रेरण कहलाती है, ठीक है ना। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत प्रेरण कहलाती है। जब किसी आवेशित पदार्थ के पास, आवेशित पदार्थ के पास नो नो जब किसी हम अनावेशित पदार्थ के पास आवेशित पदार्थ को लाते हैं तो अनावेशित पदार्थ में आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है, अर्थात धन एक तरफ हो जाता है और ऋण एक तरफ हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम विद्युत प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसको लिख डालते हैं। इसमें देख लीजिए भैया, लिखा है जब किसी आवेशित पदार्थ के पास आवेशित पदार्थ को लाते हैं तो अनावेशित पदार्थ में आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है, ठीक है ना। अर्थात अर्थात प्लस धन आवेश, धन आवेश एक तरफ तथा ऋणावेश एक तरफ हो जाते हैं, हो जाते हैं। इस घटना को, इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। लो हो गया भैया, राइटिंग थोड़ी अच्छी है, समझ लेना तुम लोग, ठीक है। हो गया ये तो, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में अपने, लेकिन अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए और आपको लगे कि हमें कुछ मिल गया है, इस वीडियो से नॉलेज मिला है हमको, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और हमारे इस चैनल पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो भी आपको थ्योरी प्रूफ न्यूमेरिकल जो भी कराऊंगा सब बेसिक से कराऊंगा, एक वन बाई वन करके। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपनी खूब जम के पढ़ाई करें। जो भी आपको कमेंट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट करिए खूब, और जो पीछे के लेक्चर हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, धन्यवाद।